में आई योगी सरकार, होली पर बड़ी भगवा कर कलर की मांग। होली के त्योहार में अब कुछ ही दिन शेष है। होली के नजदीक आते ही बाजार भी अब रंगों से सजती जा रही है। इसी बीच कानपुर की सबसे पुरानी रंगों की मंडी हटिया बाजार इन दिनों रंगों से गुलजार है, जहां कानपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कोने कोने से लोग रंग खरीदने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार रंगों की कीमतों में 1.5 गुना का उछाल आया है। वही इस वर्ष प्रदेश में योगी की फिर से सरकार आई है तो भगवा कलर की सबसे ज्यादा मांग है। वही दुकानदारों ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद से आम जनता भगवा रंग की ज्यादा मांग कर रही है। वो पूरा का रिहायशी इलाकों में चल रहा है ये वो होर्डिंग होर्डिंग भाई साहब होर्डिंग पैकेट है दादा ये रखा जो ये रखूं कौन सा रखूं कोई भी रख दो जो भाई साहब का मान लीजिए अमेरिका के अलावा का प्लीज रखो आ रहा जो आतो वो पूजो है भाई साहब हमारे जाने सुबह जाने के बाद कुछ क्या सबकी फोटो ले ग्रुप की पूरा स्टाफ ले हमारा पूरा स्टाफ है। नाम प्रमोद कुमार सेठ है। इस बार होली जो आ रही है इस बार रंगों के कितना लोग इस्तेमाल करेंगे और कितना खर्चा अब चुनाव के व्यापारी आते हैं। चुनाव के पहले तो बाजार बहुत हल्का चल रहा था, अब चुनाव के बाद बहुत तेज चल रहा है और पूरे बहुत 100-200 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं माल लेने के लिए। और हर्बल गुलाल, हर्बल कलर और बाकी स्टार्च के बने गुलाल सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कितनी दूर दूर से व्यापारी कितने कहाँ कहाँ से आता है? सब जगह से आता है, बनारस है, गोरखपुर से, दिल्ली के आसपास के, इटावा के, झांसी के, सब जगह के ग्राहक लोग आते हैं। गोना बस्ती, गोरखपुर, नेपाल, यही बनता है। अरे सब मेनू पैकिंग हम लोग के यहाँ होती है। तो कौन से रंग की ज्यादा खपत होती है? गुलाबी कलर, पीला कलर लोग ज्यादा पसंद करते हैं। भगवा कलर इस बार बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि योगी की बाहर है, भगवा कलर की बाहर है। योगी लगा पीछे एक एक किलो वाली पीछे लगी।